हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं फाइनली जेम्स बॉन्ड की आई हुई सीरीज की नई फिल्म नो टाइम टू डाई को, जिसे देखने के लिए आपको सिर्फ डैनियल ग्रिग के ही वर्जन की चार पुरानी जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को देखना होगा, ताकि आप डैनियल ग्रिग के कैरेक्टर यानी कि 007 से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट हो जाओ। हालांकि इस जर्नी को मैंने स्टार्ट से ही थिएटर में देखना शुरू किया था और तब से लेकर अब तक डैनियल ग्रिग ही मेरी नजर में अब तक के सबसे परफेक्ट जेम्स बॉन्ड है, क्योंकि उनकी फिल्मों की कहानियों में आज के टाइम पीरियड्स के हिसाब से कई सारे चेंजेस दिए गए, जिस वजह से ये फिल्म हम ऑडियंस के साथ में बहुत ही ज्यादा कनेक्ट होती है। और आई थिंक ये जर्नी पूरे 15 साल चली है, जिसका फाइनली हमें एंड देखने मिल रहा है, यानी कि डैनियल ग्रिग के 007 के वर्जन की आखिरी फिल्म है, जो अब मेकर्स की तरफ से सही ढंग से बनाई भी गई है या नहीं स्पेक्टर फिल्म के बाद, चलिए उन डिटेल्स की बात करते हैं, क्योंकि कहानी की बात तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जिसके पीछे के रीजन की बात करें तो वो अगेन इस एक्टर का फाइनली इस कैरेक्टर में रोल है और आने वाले नए जेम्स बॉन्ड का एक छोटा सा हिंट भी, जिस पर ये फिल्म बिल्कुल भी ना फोकस करते हुए पूरी तरीके से डैनियल ग्रिग के 007 पर ही फोकस करती है। और यही एक बहुत बड़ी बात है, जिसके लिए आपको जाकर इस फिल्म को थिएटर में देखना चाहिए, जिसका एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही अच्छा आएगा, घर पर तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस फिल्म को थिएटर के हिसाब से ही डायरेक्ट कर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है। और अब उसमें ये फिल्म कितनी ज्यादा पास होती है कितनी नहीं, उसी पर मैं इस पूरे के पूरे वीडियो में बात करने वाला हूं, वो भी बिल्कुल स्पॉइलर फ्री, ताकि आपका मजा इस फिल्म को लेकर अगेन बिल्कुल भी खराब ना हो। और हां, इसके अलावा फिल्म के हिंदी डबिंग की बात करें तो हिंदी डबिंग फिल्म की कमाल की है और ऊपर से फिल्म को यूए का सर्टिफिकेट भी दिया गया है। इट मींस कि आप इस फिल्म को अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हो, लेकिन सिर्फ थिएटर में। और अब यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बनती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो इस फिल्म को लेकर फैंस के बीच जो सबसे बड़ी चिंता थी वो यही है कि इसी फिल्म से आने वाले नए बॉन्ड को प्रमोट किया जा रहा है। मैं आपको ये बात बता दूं कि ये चीज बिल्कुल गलत है। हाँ, उसमें इसका हिंट तो दिया गया है, लेकिन ये फिल्म उन सभी को इग्नोर कर सिर्फ और सिर्फ इसके मेन कैरेक्टर यानी कि 007 पर ही फोकस करती है, जो रिटायरमेंट के बाद फिर से किस मुसीबत में फंस गया है और फिल्म के विलेन सेफिन के साथ उसका कनेक्शन क्या है, इन्हीं सभी डिटेल्स को देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, जो मजा आपको इस फिल्म में ऑलमोस्ट 2 घंटे 40 मिनट तक दिया जाता है। और ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है कि इतनी बड़ी रनिंग टाइम के साथ हिस्ट्री में बनी हुई पहली जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑडियंस को इतने घंटे तक थिएटर में बिठाने में कामयाब भी होती है या नहीं, क्योंकि इसके पहले का एक्सपीरियंस स्पेक्टर फिल्म को लेकर कुछ खास ज्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि वो फिल्म आपको बीच बीच में बहुत ही ज्यादा बोर करती है। और उन्ही गलतियों को ध्यान में रखकर इस फिल्म में भी वैसी ही गलती की गई है, यानी कि फिल्म के लेंथ को बढ़ा रखकर। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि आपकी वो सोच बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये फिल्म अपने इतने बड़े रनिंग टाइम के होने की वजह से भी आपको जरा सा भी बोर नहीं करती। और यहां तक कि अगर मैं इस फिल्म को कैसिनो रॉयल और स्काईफॉल के बाद बनाई गई एक बेटर डैनियल ग्रिग के वर्जन की जेम्स बॉन्ड फिल्म भी कहूंगा तो भी ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं रहेगी। हाँ, इस फिल्म की कंपैरिजन बाकी उन दोनों फिल्मों से बिल्कुल भी नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में बनाई गई ये फिर से एक और काफी अच्छी फिल्म है। अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर आए तो लेंथ की तो मैं बात कर ही चुका हूं। इसके अलावा फिल्म में कमाल का डायरेक्शन आपको इतनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाता है कि आप डायरेक्टर कैरी फुकुनागा की तारीफ करते हुए बिल्कुल भी नहीं थकोगे। यानी अगर देखा जाए तो जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में मुझे लगता है वो अब तक के सबसे बेस्ट डायरेक्टर है आज की जनरेशन के हिसाब से, जिन्होंने जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में फैंस को एक परफेक्ट जेम्स बॉन्ड की फिल्म बनाकर दे दी है। और ये भी बता दिया है कि आज की जनरेशन की चॉइस जेम्स बॉन्ड की फिल्मों को लेकर किस तरीके की है। और आई एम डैम श्योर कि कैरी फुकुनागा को आगे भी जेम्स बॉन्ड के यूनिवर्स में फिल्में डायरेक्ट करने के लिए दी जाएगी, क्योंकि सच में उनका डायरेक्शन कमाल का है, जिसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। और उनके डायरेक्शन के साथ साथ फिल्म के बाकी दूसरे डिपार्टमेंट का भी काम काफी कमाल का है, जिनमें फिल्म की फोटो और सिनेमाटोग्राफी भी चार चांद लगाती है। इसके अलावा सेट डिजाइनिंग, कलर करेक्शन और फिल्म की लाजवाब एडिटिंग, वो भी एक शानदार बीजीएम के साथ, आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देती। बाकी बात करें फिल्म के टाइटल सॉन्ग की, जिसे बिली आइलिश ने गाया है, तो वो सॉन्ग ठीक ठाक है, क्योंकि घर पर मैंने सॉन्ग को कई बार सुना है, लेकिन थिएटर में सॉन्ग का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल अलग था। बाकी अब आ जाए फिल्म के कैरेक्टर्स पर, तो फिल्म में सभी एक्टर्स अपना 100% देते हुए नजर आते हैं, खास करके डैनियल ग्रिग। लेकिन बात रही फिल्म के विलेन की, जिस कैरेक्टर का रोल प्ले इस फिल्म में रैमी मलिक ने प्ले किया है, तो आपको फिल्म में बस उन्हीं का कैरेक्टर डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि इस कैरेक्टर को लेकर इतने बड़े रनिंग टाइम में भी कोई बड़ी डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं की गई। और सिर्फ यही इस फिल्म की डिसअपॉइंटमेंट है, जो आपको स्क्रीन पर बहुत ही जल्दी नजर भी आ जाए। रही बात फिल्म की बाकी दूसरी डिसअपॉइंटमेंट की, तो उन सभी को इग्नोर कर मैं तो यही कहूंगा कि आप इस फिल्म का एक्सपीरियंस लो, जो मुझे लगता है काफी होती है, क्योंकि ये फिल्म उसका पे ऑफ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देती है। और डाई हार्ट फैंस तो इस फिल्म की इमोशनल राइड में बहुत ही ज्यादा भावुक भी होने वाले हैं, जो अगेन जेम्स बॉन्ड की जैसी फिल्म के लिए एक अलग और काफी ट्विस्टी सा सरप्राइज एलिमेंट है। और अब बात कर ले एना डी एम्ब्रोस की, तो उनका कैरेक्टर फिल्म में ज्यादा है नहीं, लेकिन जितना भी उनका अपीयरेंस इस फिल्म में दिखाया गया है, यानी कि गेस्ट अपीयरेंस, वो अपीयरेंस भी अगेन स्क्रीन पर देखने में काफी ज्यादा मजा आता है।
है। क्यों? तो अगेन उसका पता आपको फिल्म देखने के बाद ही चलेगा, क्योंकि वो चीज बोलने जैसी नहीं बल्कि स्क्रीन पर देखने जैसी है, जिसे देखकर कई लोगों की आंखों में सुकून आ जाएगा और वो लोग यही सोचेंगे, खास करके मेल्स, के फीमेल के कैरेक्टर को स्क्रीन पर इसी तरीके से परफेक्शन के साथ स्क्रीन पर प्रेजेंट करना चाहिए। बाकी बात रही नाओमी एम क्यू, मनी पेनी, मेडलिन, इनेस सटाब्रो और फेलिक्स लेटर के कैरेक्टर की, तो उनकी भी परफॉर्मेंस उनके कैरेक्टर के हिसाब से ही अच्छी है, जिनका काम फिल्म के लीड कैरेक्टर को सपोर्ट करना है और वो सभी आपको ऐसा करते हुए स्क्रीन पर बहुत ही अच्छी तरीके से नजर आते हैं। इसलिए अब उतनी ही अच्छी तरीके से सीधे आ जाते हैं इस फिल्म की रेटिंग्स पर, जिनमें अब मैं बात करूं फिल्म के एक्शन की, तो हाँ फिल्म में कुछ एक्शन कुछ लोगों को फास्ट एंड फ्यूरियस और गेम की तरह तो लगेगी ही, लेकिन फिर भी जैसे कि मैंने कहा डायरेक्टर की तरफ से उन सीन्स को जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया है उसे देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। यानी कि एक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से इस फिल्म के एक्शन पर बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, जिसके चलते मैं इस फिल्म के एक्शन को 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा, क्योंकि एक्शन ही इस फिल्म की जान है, खास करके फिल्म की कार चेजिंग वाला एक्शन, जिसके कुछ ग्लिम्स आपने फिल्म के ट्रेलर में देख रखे हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी एक्शन आपको ट्रेलर में ग्लिम्स के तौर पर दिखाए गए हैं वो बस उसके ट्रेलर ही है, फुल वर्जन तो आपको थिएटर में ही जाकर मिलेगा। खैर तो अब आ जाए फिल्म की कॉमेडी पर, तो फिल्म की कॉमेडी के लिए 5 में से 2 स्टार की रेटिंग तो बनेगी ही, जिसे संभालने की जिम्मेदारी इस फिल्म में लगभग क्यू के कंधे पर है। लेकिन बाद में जब दो कैरेक्टर्स के बीच में एक ही प्रोफेशन को लेकर जिस तरीके के आर्ग्यूमेंट शुरू होते हैं उसे भी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है, इसलिए ये रेटिंग 5 में से 2 स्टार की बिल्कुल ठीक है इस जॉनर में। बाकी बात करें फिल्म के ड्रामा की, तो ड्रामा के लिए 5 में से 3.5 स्टार बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि कहानी इतनी भी ज्यादा अनोखी नहीं है जो आपको बिल्कुल भी समझ ना आए। इनफैक्ट अगर आप इस फिल्म को डायरेक्ट ही जाकर देखोगे डैनियल क्रेग की बाकी दूसरी वर्जन की जेम्स बॉन्ड फिल्म को बिना देखे, तो भी ये फिल्म आपको काफी आसानी से समझ आ जाती है। इससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि फिल्म के ड्रामा यानी कि स्टोरी पर कितनी ज्यादा मेहनत की गई है, क्योंकि पूरा का पूरा क्रेडिट फिल्म की प्रेजेंटेशन पर ही बनता है, खास करके ऐसी स्टोरी और इतने बड़े रनिंग टाइम के साथ, जो कोई छोटी मोटी बात तो बिल्कुल भी नहीं है। और जिस तरीके का एंड इस फिल्म को दिया गया है उस हिसाब से ये रेटिंग सस्पेंस की कैटेगरी में 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करती है, भले से ही फिल्म कितनी भी ज्यादा प्रेडिक्टेबल क्यों ना हो, लेकिन वो मोमेंट्स कहते हैं ना आपके दिल में अलग से ही जगह बनाता है, तो ये फिल्म भी उन्हीं में से एक है। और फिर बात करें फिल्म के सिर्फ और सिर्फ थ्रिल की, वो भी एक्शन के हिसाब से, जिसे मैंने हॉरर की कैटेगरी में बिल्कुल भी नहीं रखा है, तो फिल्म के वो थ्रिलिंग एक्शन आपको अपनी सीट से चिपका कर रखते हैं, जिसके चलते थ्रिल की कैटेगरी में ये फिल्म अगेन एक्शन के हिसाब से 5 में से 4 स्टार डिजर्व करती है। और फिर आ जाए मास ऑडियंस पर, तो इतनी बड़ी फिल्म होने के बावजूद भी ये फिल्म मास ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद आएगी, यानी कि उनकी नजर में ये फिल्म ए प्लस की कैटेगरी की है। क्रिटिक्स की नजरों में तो ये फिल्म ऑलरेडी ए की कैटेगरी की है, जिस पर एग्री करते हुए मैं भी इस फिल्म को एक ही कैटेगरी में रखूंगा, यानी कि एक मस्ट वॉच, जो मेरे हिसाब से डैनियल क्रेग के कैरेक्टर के जेम्स बॉन्ड के लिए एक परफेक्ट एंड है। जिसे लेकर अब आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है फिल्म नो टाइम टू डाई को लेकर। इसके अलावा अगर आपको वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है इस टाइप के कंटेंट को अपने चैनल पर कंटिन्यू रखने की। बाकी मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। तो अब मैं मिलता हूं जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज की डिटेल्स के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।